गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जयपुर शॉपिंग हॉल। सो गाइस जयपुर में मैंने खूब सारी यू नो स्ट्रीट शॉपिंग की थी, मॉल से भी शॉपिंग की थी, कुल मिला के मैंने खूब सारी शॉपिंग की थी जो कि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुर में गई थी और मैंने जयपुर से खूब सारी शॉपिंग की। सो आई थॉट कि जब मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है तो आप सबके साथ शेयर मुझे करना चाहिए, और कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से परचेज की है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो शुरुआत करती हूँ इतनी प्यारी जूतियों से, क्योंकि पैकेजिंग में ही मुझे यू नो वहाँ से मिली थी। तो ये मैंने कहाँ से ली है, तो गाइस जल महल, अगर आप गए हो जयपुर तो आपको पता होगा, तो जल महल के बाहर यू नो स्ट्रीट मार्केट लगती है, तो ये मैंने वहाँ से परचेज की है। लुक एट दैट गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। वहाँ पे आप यू नो अच्छे से बार्गनिंग करा सकते हो, उन भैया को बोल सकते हो, वो इन जूतियों को 350 रुपये की बोल रहे थे। आई नो आप इंटरेस्टेड हो प्राइस में भी, तो मैंने इन्हें जस्ट लिया है 200 बॉक्स पे। गाइस कैन यू इमेजिन, हमें यहाँ पे दिल्ली में मिल जाएंगी 200 रुपीज़ की। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे सुंदर लगी, और थोड़ा सा फोकस करके डिटेलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लुक एट दी डिटेलिंग, आपको इस तरीके से ना छोटे छोटे मोती टाइप काइंड इसमें थिंग मिल जाएगी। देन इसके बाद ये सितारे आपको मिल जाएंगे जो कि हमने बचपन में यू नो पेंटिंग वगैरह के साथ तो काफ़ी बार यूज़ किए होंगे। इस साइड में आपको इस तरीके से यू नो पॉम पॉम डिज़ाइन मिल जाएगा, एक मल्टी पॉम पॉम है, एक येलो कलर का पॉम पॉम है, इस तरीके से फुल डिटेलिंग है ये, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। सो इसे मैंने अपनी मामा के लिए लिया है 39 साइज में। यस इसमें 39 साइज है, बट ये मुझे भी यू नो थोड़ा सा इतना सा बड़ा है, परफेक्टली आया है, और काफ़ी अच्छे यू नो मोतियों की डिटेलिंग के साथ ये मुझे वहाँ पे दिख रही थी, तो मुझे देखते ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। रात के टाइम जब मैंने इसे जल महल से लिया तो ये मुझे 200 रुपीज़ में ईजिली मिल गई। तो आपको ये जूतियाँ कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। लगी ना खूबसूरत ना। जूतियों के बाद जब मैं आपको दिखाई रही हूँ तो यू नो फुटवेयर से ही स्टार्ट करती हूँ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ली थी ये कोल्हापुरी चप्पल। सो गाइस ये मैंने अपने पापा के लिए ली थी, एंड आप सबको पता ही, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मेरा ब्रदर भी साथ गया था। नहीं कर रही हो तो मेरा इंस्टा हैंडल नेम है @nehalaspecial, फॉलो ज़रूर कर लेना। और ये देखिए ये इस तरीके से कोल्हापुरीज हैं, तो ये मेरे ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लाइक उसने भी ली है, तो उसने ब्लैक कलर लिया था, और जैसा उसने ब्लैक कलर लिया था सेम वैसा का वैसा पैटर्न ज़ारा में हमने देखा था, आई थिंक उसी से 1-2 घंटे पहले परचेज करने से। तो मैंने अपने पापा के लिए ये वाली ली है, जो कि इनका डिज़ाइन अगेन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। एंड गाइस ये देखिए इस तरीके से हैं, और अच्छा लग रहा था ये काफ़ी, जस्ट 200 बॉक्स पर इसे भी मैंने लिया है, और इसका भी प्राइस उन्होंने आई थिंक 400-500 समथिंग बोला था, तो अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। आपको कैसी लगी, अगर आप जयपुर जा रहे हो तो जल महल के आसपास जो मार्केट लगती है वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तो फुटवेयर में जस्ट मैंने इतना ही लिया था, और गाइज उसके बाद मैं गई थी किसी मॉल, उसका नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आई थिंक वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल या कौन से मॉल, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, देख लेना। तो गाइस वहाँ पे लोअर ग्राउंड में इस तरह की यू नो मार्केट लगती है, जैसे हम सी पी चले जाएं दिल्ली में, इस तरीके की मार्केट वहाँ पे लगती है, तो वहाँ से मैंने इन झुमकियों को परचेज किया। गाइस लुक एट दैट, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो यहाँ पे उन भैया के पास इसमें कलर था आई थिंक गोल्डन एंड सिल्वर था, तो मुझे गोल्डन चाहिए था क्योंकि ये किस तरह के लुक में है आपको पता लग गया होगा। अगर आप यू नो नागिन सीरियल स्टार्टिंग से देखते आए हो तो आपको पता होगा शिवन्या इस तरह की यू नो झुमकास वेयर करती थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी रह चुके हैं, बहुत ही रेयर था कि जिस टाइम उस टाइम मुझे चाहिए थे मुझे कहीं नहीं मिले थे, और मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मैंने कहा यार इसे तो ले लेना चाहिए। एंड गाइस लुक एट दी झुमकास, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। जस्ट ये मैंने 120 समथिंग के लिए है आई थिंक, लेकिन उन्होंने प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं किया। ठीक है ये देखिए इस तरीके से है ये, एंड बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही थी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके 1-2 झुमकास यू नो निकले हुए हैं, बट मुझे इसकी जरूरत थी तो मुझे इसे लेना पड़ा। सो गाइस ये जस्ट मैंने 120 रुपीज के लिए हैं। नाउ गाइस इसके बाद मैंने कुछ बैंगल्स लिए हैं जो कि
एक ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस अगेन ये जो बैंगल्स है ये 100 का पेयर मुझे मिल रहा था, सेम शॉप से मैंने लिया है। अगर मुझे स्मॉल का नाम याद आया तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे मेंशन करूंगी। सो गाइस लुक एट द डिज़ाइन, कुछ इस तरीके से है ये, और ये जस्ट 4 रुपीज़ 100 के थे। तो आई थॉट कि मुझे सबके लिए यू नो अपनी बुआ और मामा के लिए ले लेना चाहिए। सो गाइस इस तरीके से है ये, गोल्डन एंड रेड कलर की डिटेलिंग के साथ है, अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि साइज़ मैंने आई थिंक थोड़ा सा छोटा ले लिया है। तो ये देखिए इस तरीके के डिज़ाइन के साथ है ये। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 रेड लिए हैं एंड 2 ब्लू कलर के सेट लिए हैं, जो कि सेम मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने अपने मामा और बुआ के लिए लिए थे। तो ये देखिए इस तरीके से है। आफ्टर दैट ये वाले जो आपको बैंगल्स दिख रहे हैं ये मैंने अगेन जल महल से ही लिए हैं। तो किस तरीके से है ये, तो ये देखिए इस तरीके से यू नो इस फेस का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा मुझे सुंदर लग रहा था वहाँ पे देखने से। और ये गोल्डन एंड वाइट कलर में है, साइज़ इसमें है आई थिंक मैंने 2.8 लिया है, इसमें बिग साइज लिया है, अगेन ये सुंदर लग रहे थे मुझे काफ़ी। नाउ गाइज उसके बाद मैंने जल महल से लिए थे, सेम शॉप से जहाँ से मैंने वाइट बैंगल्स लिए थे वहीं से मैंने ये झुमकास लिए थे, लाइक झुमकी काइंड, इस तरह के जो यू नो इयररिंग्स होते हैं पंजाबी गर्ल्स और यू नो लेडीज बहुत ज़्यादा वियर मैंने करते हुए सीरियल्स में देखा है। तो इस तरीके से स्टोन्स मिल जाएंगे, आफ्टर दैट नीचे आपको झुमकी देखने को मिलेगी, जो कि मैंने सोचा कि मैं पंजाबी लुक इतने सारे शेयर करती हूँ, आप सबको काफ़ी पसंद भी आते हैं, तो उसके लिए मैंने इसे परचेज कर लिया और ये जस्ट 100 रुपीज़ की है। नाउ गाइस इसके बाद जहाँ से मैंने बैंगल्स लिए थे और जो मेरे झुमकास हैं दूसरे वाले, तो वहीं से मैंने ये सेट लिया था और ये जस्ट रुपीज़ मैंने 100 रुपीज़ का लिया था। तो गाइस 100 रुपीज़ में आता क्या है, और ये जो सेट आप देख रहे हो ये जस्ट मैंने 100 रुपीज़ का लिया था। एंड लुक एट दैट, ये गोल्डन एंड यू नो वाइट कलर की, इसमें पर्ल की डिटेलिंग है, प्लस आपको कुंदर टाइप में इसमें डिज़ाइन मिल जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो गाइस इस सेट के साथ यहाँ पे थे ये स्टड इयररिंग्स, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लाइक लुक एट दैट गाइस, इस तरीके से है ये। और साथ में ये है आपका नेकलेस, तो मैंने सोचा जस्ट 100 रुपीज़ का है मैं ले लेती हूँ इसे। नाउ गाइस इसके बाद मैंने ली है ये वुड कॉम, तो गाइस ये मैंने ली थी आई थिंक बिरला मंदिर से मैंने इसे लिया था, एंड ये मैंने आई थिंक 60 या फिर 80 रुपीज़ की ली थी, जो कि बोलते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो नेक्स्ट मैंने ली है ये वुड की कॉम। नाउ गाइस जो जहाँ से मैंने 100 रुपीज़ की खूब सारी चीज़ें ली थी वहीं से मैंने बॉक्स लिया है। गाइस लुक एट द बॉक्स, कुछ इस तरीके से है, ये सिल्वर कलर में है और यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेलिंग मिल रही है कि यहाँ पे डोली लेके जाई जा रही है, और इस तरीके से इसका डिजाइन है जो कि बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रहा था यहाँ से ओपन करने के बाद, लाइक कुंडी टाइप होती है ना उस तरीके से यहाँ पे इसमें डिटेलिंग है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो ये देखिए इसका इस तरीके से डिज़ाइन है, ये 4 पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप रिमूव भी कर सकते हो, एंड जस्ट 4 रुपीज़ 100। सो आई थॉट कि मैं इसमें अपनी ज्वेलरी यू नो वॉच वगैरह कुछ भी रख सकती हूँ, इयर रिंग्स वगैरह, तो जस्ट 100 रुपीज़ का ये मुझे काफ़ी पसंद आया। नाउ गाइस नेक्स्ट इसके बाद ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है खूबसूरत है ना, तो ये मैंने अगेन लिया है बिरला मंदिर से, सो इस पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं चली, 275 रुपीज़ का ये है, बैक पे आपको दिख रहा होगा, और वहाँ पे इतना मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जिसपे मैं बार्गेन करती, क्योंकि 100 रुपीज़ की सारी चीज़ें मिल रही थी, और इस पर मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की थी लेकिन उन अंकल ने बोला कि नहीं होता। तो ये देखिए नेक्स्ट मैंने अगेन ये लिया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस पर रोज़ गोल्ड काइंड, गोल्डन काइंड, इस तरीके से पूरी डिटेलिंग है, अगेन ये बॉक्स बेहद ज़्यादा सुंदर। सो यहाँ से इस तरीके से ये अनलॉक होता है, और इसके बाद यहाँ से ओपन करने के बाद अगेन इसमें आपको 4 पार्टीशंस मिल रहे हैं जिसमें आप अपनी ज्वेलरी या फिर कुछ भी रख सकते हो। तो ये वाला जो है ये मैंने 275 का लिया था, जो कि मैंने बिरला मंदिर के बाहर जो शॉप्स होती हैं वहाँ से लिया था बैक साइड से, और ये मैंने लोकल शॉप से लिया था जस्ट 100 रुपीज़। लाइक यहाँ इसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मे बी ये रीज़न था कि ये काफ़ी कॉस्टली मिला। नाउ इसके बाद मैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क गई थी, तो गाइस वर्ल्ड ट्रेड पार्क मुझे मॉल काफ़ी पसंद आया, लाइक जो इस साइड आई थिंक साउथ ब्लॉक था क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक्स थे, ठीक है, वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। वहाँ पे दुबई बाजार करके एक मार्केट थी जहाँ से
मैंने एक कुर्ती ली थी, आई डोंट नो वो मेरी कुर्ती यहीं पे है या कहाँ है, दिखाऊंगी आप सबको। तो वहाँ से मैंने मोबाइल का एक कवर लिया था जस्ट ₹100 का, तो काफ़ी सही प्राइस में मुझे मोबाइल के कवर्स वगैरह मिल गए थे। तो वहाँ से मैंने 3-4 कवर्स लिए थे। आई थिंक ये वाला जो है ये भी मैंने ₹100 का लिया था, और एक मेरे ब्रदर ने भी लिया था, और एक मैंने अलग से लिया था जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो खूब सारी मैंने दुबई बाजार से शॉपिंग की थी। बाद मैंने ये हेयर बैंड लिया था जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जो कि फर्स्ट स्टाइल में है। ये गाइस लुक एट द डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये मुझे कॉस्टली पड़ गया था, बट ये मुझे पसंद आ गया था। ये ₹80 का मैंने लिया था, इस पर रैबिट बना हुआ था, वो मेरा टूट गया तो नेक्स्ट मैंने लिया था। एंड हाँ, इसका जो रैबिट है वो ये है, काफ़ी क्यूट सा, तो ये निकल गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा यू नो क्यूट काइंड हेयर बैंड था। नाउ गाइस, इसके बाद मैंने लिए थी ये स्लीपर्स जो कि इस तरीके से हैं। एंड यस, मैं इसे यू नो रेगुलर बेसिस पे वेयर करती हूँ, ये थोड़े से डर्टी हैं। तो ये मैंने लिए थे अगेन दुबई बाजार से 300 समथिंग के। तो ये देखिए, अगर आप मुझे निहाल लव्स फैशन पे फॉलो कर रहे हो, यू नो सब्सक्राइब कर रखा है अगर आपने निहाल लव्स फैशन, तो मैं वहाँ पे ब्लॉग शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो वहाँ पे आप लाइव यू नो सारे जो मार्केट्स है, दुबई बाजार वगैरह, हर चीज़ अच्छे से देख सकते हो। तो डेफिनेटली चेक करना मेरे ब्लॉग चैनल को भी। सो गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने ली थी ये कुर्ती जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये मैंने अगेन दुबई बाजार से ही ली थी, और इस तरीके से है ये। बट ये थोड़ी सी आई थिंक उन्होंने मुझे कॉस्टली दी, या फिर इतने की आती है, आई डोंट नो। तो इस पे जो इसका प्राइस मेंशन था वो ₹980 था, जो कि आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसका प्राइस 980 था, बट ये मैंने 700 समथिंग की ली है। एंड इसमें मैंने साइज़ 36 ले लिया, जो कि 1 साइज लार्जर है मेरे साइज़ से। तो इस तरीके से गाइस, इसमें पूरे में यू नो डिटेलिंग दे रखी है, और बहुत ज़्यादा ये मुझे खूबसूरत लग रहा था। और तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था इस तरह की कुर्ती वगैरह लेने का, जिसपे इस तरीके से ना पूरे पे डिटेलिंग मेंशन है, कढ़ाई टाइप में, थ्रेड कढ़ाई जो होती है, और इस तरीके से है ये। अगेन ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। एंड आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये कलर मुझ पे कैसा लगेगा, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था इसको लेने का। गाइस, यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, इसके बाद अभी थोड़ा सा सामान यू नो रह गया है। तो ये सब मैंने आर्चीज से लिया था। तो ये मैंने आई थिंक अगेन मैंने वॉल्ट्रेड पार्क से ही लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक दिन ना नेट बंद हो गया था, तो उस दिन हम सारा दिन मॉल में ही थे, हमने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह भी देखी, बहुत इन्जॉय किया। तो वहाँ से मैंने ये आर्चीज से कुछ चीज़ें ली थी, जो कि आई नो ये दिल्ली में भी मिल जाती, बट होता है ना कि मैं फ्री थी वहाँ पे और परचेज कर रही थी, कि फुल्ली मूड था कि हाँ शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी सिपर लिया था ये, एज यू कैन सी। एंड इसका जो प्राइस है वो ₹789 मेंशन है, बट ये मुझे ₹499 में मिल रहा था। एंड इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, यू नो पिंक एंड वाइट, एंड इस पे पाइनएप्पल बना हुआ है। और मैंने सोचा मैं कहीं पर भी ट्रैवल करती हूँ, कॉफ़ी साथ में कैरी कर सकती हूँ, इस पे गिरने विरने का भी कोई डर नहीं है। सो ये कॉफ़ी सिपर है, इस तरीके से है ये। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बताना। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिया है ब्यूटीफुल मग। तो गाइज, ये आजकल मैंने टिकटॉक पे देखा था कि काफ़ी ज़्यादा यू नो इसका ट्रेंड चल रहा है, सो आई थॉट मैंने देखा तो मुझे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग था। मतलब जो मैंने इसे घर पर दिखाया, तो हर किसी का रिएक्शन ये था कि ये क्या ले आई, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इससे ऊट पटांग टाइप जो चीज़ें होती हैं मुझे अच्छी लगती हैं। जो इसका प्राइस था ना वो भी काफ़ी सही था, कि जो इसका प्राइस मेंशन है वो ₹599 था, बट ये मैंने ₹299 में लिया है आफ्टर डिस्काउंट। तो इस तरीके से है ये। सो गाइज, ये था मेरा जयपुर स्ट्रीट एंड यू नो मॉल शॉपिंग हॉल। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा शॉपिंग हॉल पसंद आया हो। अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए, अगर आप ये देखना चाहते हो तो विजिट कीजिए नेहा व्लॉग्स चैनल पे, वहाँ पे आपको खूब सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।